जय जोहार, जोहार रायपुर मा जम्मो दर्शक मन के स्वागत है। मैं हूं लीना। अब बढ़ते खबर मंडहर और देखते ने बेरा के सुर्खी मंडा। मुख्यमंत्री हा मस्तूरी मा करीस करोड़ों कार्य मन के लोकार्पण और भूमि पूजन। विभिन्न योजना मन मा हितग्राही मन ला बांटे सामग्री और सहायता राशि। एस्मा के बाद घलो हड़ताल मा अडिग नर्स मन के गिरफ्तारी शुरू। नर्स मन लगे सरकार ऊपर अड़ियल रवैया के आरोप। और डीएलएड के 3 विषय मन के परीक्षा शुरू। परीक्षा केंद्र मन मा करेगी समूचा व्यवस्था। अब देखन खबर विस्तार ले। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह प्रदेश व्यापी विकास यात्रा के दौरान शुक्रवार के बिलासपुर जिला के मस्तूरी पहुंची। सीएम यहां आयोजित आम सभा ला संबोधित करी। एमाले लगभग 152.56 करोड़ रूपया के पूर्ण हुए 38 कार्य मन के लोकार्पण और लगभग 65 करोड़ रूपया के लागत ले स्वीकृत 26 नवा कार्य मन के भूमि पूजन करीस। मुख्यमंत्री आम सभा में 21,000 ले अधिक हितग्राही मनला विभिन्न योजना के तहत सामग्री और सहायता राशि के चेक 16,829 परिवार मनला आबादी पट्टा 13,340 किसान मनला 17,92,00,000 के धान बोनस और सूखा राहत के राशि घलो वितरित करीस। ए अवसर में विधानसभा अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री अमर अग्रवाल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष धरमलाल कौशिक सहित बड़े संख्या में ग्रामीण मन घलो उपस्थित रहिस। छत्तीसगढ़ प्रदेश के राजनीति ला झकझोर के रख देने वाले प्रदेश के कद्दावर नेता राजेश मुड़त के कथित अश्लील सीडी के आय के बाद मा प्रदेश के कई जगह विपक्षी पार्टी मन जम के प्रदर्शन करे रहिस, जेकर विरोध सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी घलो पूरा ताकत के संग मा करे रहिस। इस बीच एक बार फिर 4 महीना के बाद मा फिर सीडी के भूत निकले हैं। संगे माही कांग्रेस और भाजपा में जुबाने जंग शुरू हो गए हैं। अश्लील सीडी कांड के भूत फिर ले निकल गए हैं। पिछले दिन पीसीसी अध्यक्ष ला सीबीआई हा तलब करे रहिस और करीब घंटा तक सीडी कांड में पूछताछ करीस। तब ले कांग्रेस सीडी ला लेके सरकार ऊपर आरोप लगावा थे। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी हा कहिस कि कांग्रेस पार्टी के पदयात्रा ले पूरा प्रदेश के वातावरण बदले है। कांग्रेस हा पूरा ताकत के संग मा भारतीय जनता पार्टी और रमन सरकार के नाकामी मल्ला जनता के बीच में रखे है, जेकर ले घबरा के एक बार फिर राजेश मुड़त के सीडी के जांच शुरू हो गए है। शैलेश की इसकी अच्छा बात है कि जांच शुरू हुआ थे। पार्टी हा मांग करे है कि कोनो भी बांटने वाले और बनाने वाले के घलो जांच सीबीआई ले कराए जाए। कांग्रेस आरोप लगा है कि जनसंपर्क विभाग के कुछ अधिकारी मन के मिली भगत ले सीडी हा मीडिया कर्मी मन के बीच मा बांटेगी से और सीडी के प्रसारण पर कहेगी। उमन है कि इसकी बांटे के सेती जनसंपर्क विभाग के लोगन मन घलो आईटी एक्ट के धारा मन के उल्लंघन करे के कारण आरोपी बन गए। कांग्रेस आरोप लगात हुए कि इसकी मुख्यमंत्री जो कि स्वयं जनसंपर्क मंत्री है उकर निवास में पदस्थ अधिकारी मन द्वारा सीडी बांटे गिस। एक सेती हमन मांग करथन कि अधिकारी मन के कॉल डिटेल निकाल के उकर मन ले सीबीआई पूछताछ करे, सीडी बनाने वालों से भी पूछताछ करे। हम इसकी मांग करते हैं। सीडी तो दो बार बटी। कांग्रेस मांग करती है कि मुख्यमंत्री निवास में पदस्थ और अन्यत्र पदस्थ जनसंपर्क विभाग के अधिकारी जिनको आज कांग्रेस सार्वजनिक कर रही है उनके नंबरों को कॉल डिटेल निकाले जाएं। इन लोगों ने मीडिया के लोगों को बुलाकर सीडी बांटी और सीडी के प्रसारण के लिए कहा, जिसके परिणाम स्वरूप मीडिया ने उनका प्रसारण नहीं किया, लेकिन ये सीडी बांटने के कारण आईटी एक्ट की धाराओं के उल्लंघन करने के कारण ये लोग आरोपी बन गए हैं। जनसंपर्क विभाग के प्रभारी स्वयं मुख्यमंत्री रमन सिंह हैं, उनके निवास में पदस्थ अधिकारियों ने ये सीडी बांटी है। हम मांग करते हैं कि इन अधिकारियों के कॉल डिटेल और सीडी लहराने वालों नहीं सीडी बांटने वालों के मोबाइल नंबर उनके कॉल डिटेल निकाले जाएं और उनसे सीबीआई पूछताछ करे। इति भारतीय जनता पार्टी है कांग्रेस के आरोप मल्ला सीरा ले खारिज करत हुए कि सीबीआई जांच तो पहले ले ही हुआ थे और इमा भाजपा ला डरे के या बौखलाहट के कोनो जरूरत नहीं है। जेन हक गलती करे है और का गलती करे है ये सबो हा सीबीआई जांच मा साफ हो जाही। जांच में डर क्यों है? चाहे 4 महीने पहले हो चाहे तत्काल हो, जांच चल रही है तो उससे घबराहट क्यों हो रही है? आखिर जो कर्म किए हैं सीबीआई जांच में सब सामने आए। सीबीआई जांच को आज थोड़ी प्रारंभ हो रही है, सीबीआई जांच तो कैसे चल रही है? प्रकाश जायसवाल का बयान भी पहले हुआ, उसमें धीरे धीरे सीबीआई सबके
जो जो मुद्दे आ रहे हैं उन मुद्दों को जांच कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को घबराने की जरूरत नहीं या इनकी यात्रा से घबरा कर तो की जा रही है। सीबीआई जांच तो पहले से बैठी हुई, सारे तथ्य आएंगे, सीबीआई से भयभीत है। आप क्या करें तो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। अब आने वाला समय में ये देखना है कि सीबीआई अपन जांच पर कौन ला क्लीन चिट दे थे और कौन ला गुनाहगार साबित कर थे। देश टीवी पर कैमरामैन ऋषि नेताम के साथ आशीष झा की रिपोर्ट। 9 सूत्री मांग मल्ला लेके धरना देवर 3000 ले ज्यादा स्टाफ नर्स मन के गिरफ्तारी कर आज जेल दाखिल कर दिए गिस। पुलिस हा 48 नर्स मल्ला सुबह लाखीनगर के टिल्लो चौक स्थित राम मंदिर ले हिरासत मलिस और जेल भेज दिस। एकर बाद घलो नर्स मन के हौसला कम होत दिखाई नहीं देवत है। छत्तीसगढ़ में एस्मा लगे के बावजूद हड़ताल करत नर्स मन के गिरफ्तारी शुरू हो चुके हैं। राजधानी रायपुर में धरना में बैठे लगभग 450 से ज्यादा नर्स मन गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस हा धरना स्थल में पहुंचे ले पहले ही लाखीनगर चौक में सबो झनला गिरफ्तार कर लीस। एसडीएम के मौजूदगी में गिरफ्तारी करेगीस। ए दौरान धरना स्थल में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहीस। सबो नर्स मन रायपुर सेंट्रल जेल में लाए गए है। बता दें कि राजधानी रायपुर में नर्स मन अपन 9 सूत्री मांग ला लेके धरना देवत है। नर्स मन के काम के घंटा ला व्यवस्थित करे भर रिक्त पद मन में भर्ती और पदोन्नति स्टाफ नर्स मन ला 4500 ग्रेड पे दिए जाए और ग्रेड 2 घलो दिए जाए। समान प्रशिक्षण, समान कार्य, समान वेतन घलोक दिए जाए। यही है कर मन के मांग हरे। गौरतलब है कि सरकार है पहले ही हड़ताल करत नर्स मन ला काम में लहूटे के चेतावनी दिए रही। नर्स मन के हड़ताल ला असंवैधानिक करार देत हुए सरकार है 3 दिन पहले एस्मा लगा दिए रही। नर्स मन है कि इसकी सरकार है हमन मन ऊपर एस्मा लगा दिए है और हमारे हड़ताल ला अवैध घोषित करत है। सरकार बताए कि हमारे हड़ताल काबर अवैध है। उमन है कि इसकी हमारे हड़ताल ले लोगन मन ला दिक्कत हुआ थे, फिर यह हमारे मजबूरी है। नर्स मन आरोप लगाई इसकी छत्तीसगढ़ सरकार संवेदनहीन हो गए है या फिर सत्ता के नशा में चूर होके नर्स मन के मांग ला माने के बजाय उमन ला जेल भेजे थे। हम लोग अपने हक की लड़ाई के लिए धरना कर रहे थे, हड़ताल में थे, तो इसमें लगा दिया गया था, इसके लिए लाया गया है यहाँ पे। हमको रमन सरकार के राज में हम अपने हक की लड़ाई भी नहीं लड़ सकते हैं। अब कुछ नहीं, हम लोग का हड़ताल कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यू जारी रहेगा। रमन सरकार कहती है कि हमारा जो हड़ताल है वो अवैध है, हमारे हड़ताल को अवैध घोषित करती है, तो वो अवैध घोषित करने का हमको कारण बता दें। सरकार ऐसा कह रही है तो हम अपनी जन्मभूमि, अपनी कर्मभूमि छोड़ के कहीं क्यों जाएं? अगर सरकार ऐसा बोल रही है तो वो खुद चली जाए, हम नहीं जाएंगे कहीं पे। हमें पता है कि हमारी वजह से काफ़ी लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है, इस बात का हमें भी खेद है, लेकिन हम क्या करें, हम बहुत ही मजबूर हैं। हम अपने ये हक की लड़ाई, अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और संवेदनशीलता तो हम में भी है। उनके इस दुख को देख के कहीं ज़्यादा दुखी हम हो रहे हैं, लेकिन सरकार आज इतनी निष्ठुर है, इतनी संवेदनहीन हो चुकी है कि उनको गरीब जनता की ये दुख और दर्द उनको दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार को हम पे किसी बात का गुस्सा है या हो सकता है सरकार अपनी कहीं ना कहीं सत्ता का एटीट्यूड दिखा रही है, इसलिए वो हमसे आके बात करना तो छोड़ो, हमसे बात करना नहीं चाहती है, बल्कि और हमको पुलिस को भेज कर यहाँ जेल में आज लेके आए हैं। एती नर्स मन के मांग मा एसडीएम रायपुर हा कह रही कि सरकार हा एस्मा लागू कर दिए है, एकर बाद नर्स मन के हड़ताल अवैध हो गए है। जेकर जानकारी अमन ला पहली घलो दिए रहीस, फिर एकर बाद घलो ए हड़ताल मा डटे हुए रहीस, जो कि गलत है। उहे सीएसपी हा घलो कहीस कि स्वास्थ्य विभाग डहार ले हड़ताली मन के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाई गई है। नर्स संघ के प्रदर्शन पर, उनके हड़ताल पर एस्मा लागू हुआ था। कल एस्मा प्रदर्शन के खिलाफ एस्मा के तहत एफआईआर की गई थी। आज प्रदर्शन करने की स्थिति में आए तो इनको गिरफ्तार कर जेल परिसर लाया गया है। जेल परिसर अभी गिरफ्तारी हुई है, अब जेल दाखिल कराया जाएगा। अभी चल रही है गिरफ्तारी की संख्या एग्जैक्ट। बहरहाल नर्स मन के हड़ताल पूरा जोर शोर में है, जेकर प्रदेश के सबो स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गए है। नर्स मन के हड़ताल में जाए ले मरीज मन के हाल बेहाल है। सरकारी अस्पताल मन में मरीज मन के देखभाल करे या कोनो नहीं है। अब देखना है कि हड़ताल में सरकार और नर्स मन के बीच में तालमेल कहाँ तक बैठ पाते। देश टीवी पर कैमरामैन ऋषि नेताम के साथ आशीष झा के रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ रेलवे कमीशन वेंडर्स एसोसिएशन रायपुर हा आरोप लगाते हुए कि रेल अधिकारी मन के मिली भगत ले रेलवे और रेल बोर्ड के द्वारा
समय समय में रेल यात्री मन के हित ला ध्यान में रख के यात्री सुविधा पर जारी तमाम तरह के घोषणा ला धता बताए जाते। छत्तीसगढ़ रेलवे कमीशन वेंडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष आरोप लगा है कि रेलवे और रेल मंत्रालय द्वारा यात्री मन पर जो नियम बनाए गए है ओकर धज्जिया घलो उड़ाए जावत है। वह केस के एक उदाहरण रायपुर रेलवे स्टेशन में देखे जा सकत है। एसोसिएशन आरोप लगा है कि रेलवे द्वारा रेल यात्री मन पर खान पान सेवा उपलब्ध कराए बर निजी संस्था मन ला प्रदान करे गए है, जेकर तहत रेलवे स्टेशन में भोजनालय निजी संस्थान मन ला दिए गए है। संस्था द्वारा प्रमाणित खाद्य सामग्री निर्धारण के माध्यम ले ही रेल यात्री मन ला उपलब्ध करवाना है। फिर रेलवे स्टेशन रायपुर में संचालित संस्था के द्वारा रेलवे नियम मन ला ताक में रख के और संस्था में अनेक लोगन मन के माध्यम ले रेल यात्री मन ला गुणवत्ता विहीन खाद्य सामग्री निर्धारित दर ले अधिक कीमत में रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म में घूम घूम के बेचना गैर कानूनी है। रेलवे जो है आम रेल यात्रियों को लेकर के उनकी सुविधाओं को लेकर के खान पान की सुविधाओं को लेकर सुरक्षा को लेकर के जो तमाम तरह की घोषणाएं करता है उस पर रेलवे के जो स्थानीय अधिकारी पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। यहाँ रेलवे स्टेशन रायपुर में अनाधिकृत रूप से लोग जो अवैध रूप वेंडर लोग जो है खाने पीने की सामान जो है अमानक खाद्य सामग्री ऊँचे दामों में बेच करके यात्रियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और यात्रियों को सरेआम लूट रहे हैं। इसकी शिकायत छत्तीसगढ़ रेलवे कमीशन वेंडर एसोसिएशन ने समय समय पर जो है तमाम रेलवे के आला अधिकारी व रेल मंत्री सहित रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को भी किया, परंतु आज तक की कोई कार्रवाई इन पर नहीं की गई। इससे स्पष्ट हो जाता है कि इनकी जड़ें कितनी मजबूत है और जो है इनको सीधे स्पष्ट हो जाता है कि अधिकारियों का इनको संरक्षण प्राप्त है।